सीएम योगी आज झांसी दौरे पर 328 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शहरवासियों को दी सौगात। आगरा के शाहगंज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2.5 साल की मासूम को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराया। पुलिस अधिकारियों को बच्ची की परिजनों को धन्यवाद दिया। डिजिटलीकरण के वित्तीय समावेश के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरक्षा कन्वेंस का हुआ है आयोजन। डिप्टी सीएम विजय पाठक कार्यक्रम रहे मौजूद। हेलट के नेत्र रोग विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 4 लोगों की आंखों की रोशनी गई। गाजियाबाद के चकनिया विधानसभा क्षेत्र के करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है सड़कें। सांसद अफजल अंसारी ने परियोजनाओं का किया शिलान्यास। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ झांसी दौरे पर रहे। बता दें कि 328 करोड़ की परियोजनाओं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड को बड़ी सौगात दी है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसके साथ ही कहा कि हर घर में शुद्ध पेयजल पहुँच रहा है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि बुंदेलखंड के डिफेंस कॉरिडोर का बन रहा है और बुंदेलखंड की धरती को माफिया राज खत्म किया जा रहा है। मैनपुरी में कुरावली क्षेत्र में शिक्षकों से मिलने के लिए क्षेत्र में निकले एमएलसी लाल बिहारी लगभग एक दर्जन विद्यालयों में शिक्षक से मिले हैं। बता दें कि लोकसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार डिंपल यादव को बनाया है, जिसके लिए एक लंबी लिस्ट स्टार प्रचारकों की तैयार कर क्षेत्र में वोट मांगने को भेज दी गई है। इस कड़ी में सपा के एमएलसी लाल बिहारी भी शिक्षकों से मिलकर सपा के लिए वोट मांगते दिखाई दिए और एमएलसी लाल बिहारी ने लोगों से सपा को वोट करने की अपील करते हुए कहा कि कुछ आइए सुनाते हैं। और वह हर शिक्षक के परिवार में 10-5 ऊंट है और शिक्षक समाज का प्रहरी होता है। वह जो है अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने अगल बगल लोगों को प्रभावित कर रहा है और पूरी तरह से ये चुनाव जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो है दिखाई दे रहा। और सबसे बड़ी बात जो है मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि 2022 के चुनाव जब हो रहा था विधानसभा का, तो लोग शिक्षक इंतजार कर रहा था कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सियासी पॉलिटिकल पार्टियां जितनी हैं, वह शिक्षकों के लिए क्या घोषणा कर रही है। किसी ने कोई घोषणा शिक्षकों के लिए नहीं किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेश के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता कन्वेल लव का 5वां संस्करण आयोजन किया गया है। एक दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में कृषि, महिला, एमएस, मई और स्टार्टअप से संबंधित विषय पर चर्चा की गई। समावेश में महिलाओं की भागीदारी और युवा डिजिटली परिवर्तन के नेतृत्व पर भी चर्चा का मुख्य विषय रहा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डिप्टी सीएम वीएस पाठक का भव्य स्वागत किया गया। आगरा में शाहगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि 24 घंटे में 2.5 साल के मासूम को पुलिस ने बरामद करते हुए अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इस सराहनीय कार्य के लिए परिजनों ने धन्यवाद कहा। इस मामले में एसएसपी प्रभाकर चौधरी मॉनिटर खुद कर रहे थे। देखिए, आगरा पुलिस ने एक बहुत ही संवेदनशील और सनसनीखेज 2.5 साल के बच्चे के अपहरण के केस का सफल अनावरण किया है। पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर बच्चे की सकुशल बरामदगी सुनिश्चित किया है और अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है। 22/11/2022 को रात्रि 8:52 को पुलिस को सूचना मिली कि एक छोटे बच्चा जो खेल रहा था गायब है। इस पर पुलिस ने तुरंत, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, 8 टीम गठित किए गए और सीसीटीवी और क्रिमिनल इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया गया। अमेठी में कोतवाली क्षेत्र के हनुमानगढ़ी मंदिर के पास चोरों ने साइकिल पर हाथ साफ किया है और मौके से फरार हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस की लचर कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि इस क्षेत्र में अक्सर चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देते रहते हैं।
खबर गाजीपुर से है, जहां जखनिया विधानसभा क्षेत्र के पीएम गैसी के तहत करोड़ों की सड़क का शिलान्यास किया गया। बता दें कि सांसद अफजाल अंसारी ने लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सड़क पर शिलान्यास किया है और बताया कि जिले में उनके प्रस्ताव पर 250 किलोमीटर की सड़क का प्रस्ताव पास हुआ है जिसकी लागत लगभग 190 करोड़ रुपए बताया गया। और अब जिनके टेंडर बन के बांड हो गया है तो उनका हम शिलान्यास करने का कार्यक्रम, शुभारंभ करने का कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जिस कड़ी में आज दो सड़क कुसमी कला से मदनही भटौली चोचकपुर होते हुए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सड़क है, तमाम गरीबों की आबादियां हैं इस सड़क के ऊपर। कितने किलोमीटर का होगा ये सड़क? है 6 किलोमीटर 725 मीटर और 7,81,00,000 की लागत से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एम्फी थिएटर में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमिल अतिथियों के तीसरे जत्थे में शामिल करीब 210 लोग, डीएम ईशा दुलन और अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया है। संगमम में सांस्कृतिक भाषा लोक कला से संबंधित कला की प्रस्तुति भी की जाएगी। वाराणसी में काशी तमिल संगमम हो रहा है और जिसके अंतर्गत पीडीयू जंक्शन में जनपद चंदौली में आज एक स्पेशल ट्रेन आई है जिसमें कि लगभग 216 यात्री वहां से आए हैं और उन सबका यहां पे वेलकम किया गया। सबको रेड कारपेट ढोल नगाड़े के साथ सबका स्वागत किया गया, तिलक लगाया गया, फूलमाला डाले गए और अभी सभी लोग को बसेस में बिठा करके काशी के लिए रवाना किया जा रहा है। What is your good name? What is your good name? I came for, my name is Rajendra Prabhu. I am coming from Chennai. I came for Kashi Tamil Sangamam, inaugurated by Modi ji. We are the team coming from Chennai with 216 passengers. It's a good journey for 2 days. And we had a reception from everywhere, Vijayawada up to Chennai, up to Kashi. We have received a warm welcome from BJP cadres. We are very thankful to the BJP cadres and Modi ji. What is the motive of this program? It is to elaborate the relationship between the North and South. फरीदाबाद के पल्ला इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ युवक एक युवक को पकड़े हुए हैं और दो युवतियां उन युवकों की पिटाई कर रही हैं। बता दें कि युवक ने युवती के साथ छेड़छाड़ की थी। फिलहाल युवती की शिकायत पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो एक मैटर हमारे पास शिकायत आई थी एक लड़की की, जिसने शिकायत की थी कि एक लड़के ने उसके साथ कुछ बदतमीजी की है और गलत काम करने की कोशिश की है। इस शिकायत के ऊपर हमने वो मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत हमने उस लड़के को अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन उसमें जारी। आरोपी रहने वाला कहाँ का है और जो शिकायत की है वो किन लोगों ने की है? देखो आरोपी यही फरीदाबाद में का ही रहने वाला है। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना परिसर में खड़े वाहनों में अज्ञात परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। हादसे में मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट का कुछ हिस्सा आग की चपेट में आ गया। थाना परिसर में खड़े कई वाहन जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फरखाबाद में दलित वर्ग की महिला ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। जिला प्रशासन की तरफ से कई लोगों को सरकारी पट्टे दिए गए थे, धन के अभाव में पीड़ित दलितों ने पट्टे की जमीन पर पक्के मकान नहीं बनवा पाए, जिस पर गांव के कुछ दबंगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जिसके लिए महिलाएं कई बार समाधान दिवस समेत अधिकारियों के शिकायत कर चुकी हैं लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लोटपुर का मामला है, वहाँ दलित समाज के करीब 20-22 लोगों को पट्टे 1997 में एलजीएम सदर द्वारा दिए गए थे, जिनपे बराबर काबिज थे, दीवारें खड़ी हुई थी, झोपड़ियाँ पड़ी थी, हैंडपम्प लगा हुआ था। तो अब क्या समस्या आ रही है वहाँ पर? वहाँ ये नीरज सिंह ने जो है भूमाफिया दबंग इन्होंने कोई फर्जी आदेश कराकर हैंडपम्प उखाड़ दिया। वहाँ निवासी कहाँ के? वो नूरपुर के। नूरपुर के दीवारें सब उखाड़ के सब भर ले गए मलबा और उस जमीन को समतल कर रहे हैं और हम लोग सारा कब्जा हटा दिया। कानपुर में हैलेट अस्पताल में नेत्र रोग विभाग में आंखों के मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए आए ज्यादातर मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन की तरफ से परीक्षण किया जा रहा है लेकिन नेत्र रोग विभाग के एचओडी का कहना है कि 6 में से 4 लोगों की आंखों की रोशनी बिल्कुल जा चुकी है और 2 लोगों की आने की संभावनाएं हैं, जिसके लिए प्रयास किया जा रहा है।
छह पेशियों का भी एग्जामिन किया हमने, सिटलैम में भी देखा, अल्ट्रासाउंड भी किया दोनों आंखों का। छह पेशियों की रोशनी फिलहाल तो जा चुकी है, इस वक्त रोशनी नहीं है, जिसमें चार की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। तो सारे पेशेंट्स को हमने एडमिट कर लिया है और उपचार शुरू कर लिया है, जिसमें इंजेक्शन लगाना, मैंने नसों के थ्रू आंखों में इंजेक्शन लगाना और ड्रॉप्स डालना और शुरू कर दिया। हरदोई में बघौली इलाके में लेखपाल के रिश्वत लेने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्राम सभा की जमीन पर यूकेलिप्टस व बबूल के पेड़ खड़े थे। पूर्व प्रधान ने बाबूलाल और लेखपाल की साठगांठ कराकर ग्राम समाज की जमीन में पेड़ को कटवाया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद मामले में वर्तमान प्रधान आनंद कुमार ने शिकायत की है, जिस पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी शिखा संगवार ने धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण कर धान क्रय केंद्रों में धान के रखरखाव और क्रय धानों का मिलान एंट्री रजिस्टर से कराया। जिलाधिकारी ने एंट्री टोकन में क्रय धान के उल्लेख न मिलने पर धान क्रय प्रभारी की जमकर फटकार लगाई है, साथ ही किसानों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण करने, क्रय धानों की रजिस्ट्री में एंट्री करने के सख्त निर्देश भी जारी किए। मैनपुरी में सपा के किशनी विधायक विरुद्ध सदर कोतवाली के आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सपा विधायक एक कार्यकर्ता से शस्त्र निकालकर तैयार रहने की बात कह रहे थे। इसी मामले में पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। मैनपुरी कोतवाली में किसनी विधायक के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के वायलेशन का FIR लॉज हुआ है। एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें विधायक द्वारा अपने किसी समर्थक से चुनाव के दृष्टिकोण से असलाह तैयार करने की बात कही जा रही थी। वायरल होने के पश्चात संज्ञान में आया, तत्पश्चात उनके विरुद्ध FIR लॉज किया गया। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने अवैध रूप से संचालित किए जा रहे भट्टों पर छापा मारा है। भट्टे के संचालन से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच की। जिलाधिकारी ने सुल्तानी ईंट उद्योग, आरजू बिक्री वर्क, मुख्तियार बिक्री वर्क, STR बिक्री वर्क, KGN ईंट उद्योग, जाकिर बिक्री वर्क और अलमदीना भट्टा मालिकों को दस्तावेज उपलब्ध न करा पाने पर सख्त चेतावनी के साथ नियमानुसार भट्टे के संचालकों के निर्देश दिए हैं। अन्य तहसीलों में भी उप जिलाधिकारी ने तय सिलदारों के भट्टा संचालकों का निरीक्षण किया, दस्तावेज को उपलब्ध करा, नियमानुसार भट्टा संचालक के निर्देश दिए हैं। इस दौरान भट्टों से संबंधित अधिकारी, लेखपाल और पुलिस बल उपस्थित रहा। निरंतर सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि क्षेत्र में कुछ इलीगल तरीके से भट्टों का संचालन किया जा रहा है, ना उनके द्वारा रॉयल्टी जमा की गई है, ना पॉल्यूशन से कोई प्रॉपर्टी NOC ली गई है, उसके बावजूद भी भट्टों का संचालन किया जा रहा है। इसी सूचना के क्रम में माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर एक अभियान चलाया गया है। आज हमारी चार टीमें विभिन्न क्षेत्रों में निकली हुई हैं और सभी अपने अपने क्षेत्रों के उन इलीगल भट्टों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उनका जो ईंटें पाथी गई हैं उनको नष्ट किया जा रहा है। सरवस्ती में सर्विलांस सेल ने कार्रवाई करते हुए 68 गुमशुदा मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है और सभी मोबाइल फ़ोन संबंधितों के सपूर्द कर दिए गए हैं। इसके साथ ही गायब मोबाइल बरामद करने वाली टीम को SP ने पुरस्कृत भी किया। हम लोगों के पास अक्सर काफ़ी लोग आते हैं कि मेरा मोबाइल कहीं रास्ते में गिर गया है या कहीं और खो गया है, इस तरह की शिकायतें लेकर लोग आते हैं। ऐसी सभी शिकायतों पर क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम काम करती है। स्वाट टीम और सर्विलांस टीम द्वारा ये ऐसे ही लोगों के 68 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपये है और ये संबंधित सभी व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं। बोलो। मेरा नाम भगवती पांडे, मैं बिजनेस कॉन हाउस के कार्यदर्श हूँ। रात को करीब दो बजे मेरी मोबाइल गायब हो गई, तो आज 4 महीने बाद मेरे मोबाइल हमको मिल गई। रावस्ती पुलिस को मैं धन्यवाद देता हूँ पहले से। सर मेरा नाम है अमरेंद्र कुमार मिश्रा। 22 जुलाई को मेरा फ़ोन गायब हो गया था सर, और आज 4-5 महीने पर हमारा फ़ोन मिल गया है। सरावस्ती पुलिस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, जिन्होंने बहुत परिश्रम करने के बाद मेरा फोन वापस दिलाया है। सो धन्यवाद सर।
खबर रायबरेली से, जहां गुरवाला चौकी के पास लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। हादसे में ट्रांसफार्मर में बुरी तरह से आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस हादसे में कोई जनहानि नहीं दर्ज हुई। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।